गौरी, देवी संतोषी का तप सफल हुआ। समय आ गया है उनकी शक्तियां पुनः लौटाने का। ये आपके लिए सम्मन है, धैर्य मिश्रा से तलाक के लिए। मेरे बच्चे को दोबारा हाथ मत लगाना। अपने बच्चे को तू खा गई, जिंदा है किस लिए? तू मर क्यों नहीं जाती? हमें तो लगता है कुछ ही क्षण में संतोषी का जीवन नष्ट होने वाला है। हमारी गणना के जितने ही पल तुम्हारे पास शेष है, 5। हमने अपने बच्चे को मारा, हमने अपने हाथों से अपने बच्चे को मारा। हमें जीने का और कोई हक नहीं, हमें माफ कर। हम आपके शरण में आ रहे हैं। 3, 2 तुम मृत्यु के अत्याधिक निकट हो संतोषी। ने मेरे बच्चे को मार, तुम खूनी हो संतोषी, तुमने मेरे बच्चे की जान ली है। हाँ, मैं पापा बनने वाला हूं। तुम्हें छूना भी ना, कीचड़ को छूने के बराबर है, समझी? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी? समझी तुम? अंदर आने की जरूरत नहीं है। ये संतोषी क्या कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेमने को बचाने के लिए। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? लो, हम भी कैसा सवाल कर रहे हैं, यहाँ कोई क्यों आता है भला? ये तो सब जानते हैं। देवी संतोषी धरती लोक पर क्या कर रही है? शक्तिहीन होने के पश्चात वो भेष बदल कर वहां कैसे पहुंच गई? तुम्हारा मन इतना कोमल है कि तुमसे एक बकरी के बच्चे का दुख नहीं देखा गया और अपनी जान देने चली गई, जो कि बहुत बड़ा पाप है। मेरे जीवन में जीने की कोई वजह नहीं बची, इसलिए अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही। बेटी, दुख किसकी जिंदगी में नहीं होता? ईश्वर ने दुख और सुख सबको दिया है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार मानकर अपना जीवन ही खत्म कर लें। जिंदगी को वो खत्म करते हैं जो बुजदिल होते हैं। साहसी इंसान हमेशा मुसीबतों से लड़ता भी है और जीतता भी है। अब घर जाओ, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। याद रखना, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज हर अंधेरे को मिटा देता है। बस अपना विश्वास बनाए रखो। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे। भगवान ने जो हमें जीवन दिया है, हम उसे अपने हाथ से खत्म करने जा रहे थे। ऐसा करने का हमें कोई हक नहीं। संतोषी माँ के भक्त होकर के भी हमें निराशाओं ने जकड़ लिया था, जबकि संतोषी माँ की भक्ति हमें जिंदगी से लड़ना सिखाती, सांस के साथ चलना सिखाती। हमेशा माँ करना, हमेशा माँ करना। महिमा तो अपरंपार है। बिना किसी आह्वान के देवी संतोषी धरती लोक गई। अवश्य देवी संतोषी ने हमारे साथ कोई छल किया है। हमें शीघ्र ही ब्रह्मदेव से भेंट करनी होगी, ताकि देवी संतोषी को हम सदैव के लिए शक्तिहीन कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक नई जिंदगी दी। हम जीवन भर आपको कभी नहीं भूलेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। जाओ, अपने घर जाओ और अपने जीवन को कभी निराशा के चंगुल में फंसने मत देना। जीवन का आधार आशा होती है, यदि वो नष्ट हो जाए तो जीवन भी नष्ट हो जाता है। आराध्य होने के नाते हमें अपनी भक्त को उचित मार्ग दिखाना आवश्यक था। भाग्य ने भले ही तुम्हारे साथ अनुचित किया हो संतोषी, किंतु तुम अपने कर्मों से अपने अवसाद पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगी। बेटा, तुम अभी तक कहाँ थी? संतोषिया, कहाँ थी बिटिया? अरे हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे, कहाँ चली गई थी? हमें भी नहीं पता हम कहाँ चले गए थे। भाभी, कोर्ट से जो समय आया था उसमें कोर्ट जाने का क्या समय लिखा है? दीदी, समय तो 11 बजे लिखा। तो कल सुबह जाकर कानूनी तौर से हमें अपना रिश्ता खत्म करना होगा। वैसे मन से तो कब का ये रिश्ता खत्म हो चुका है, कागज के टुकड़ों पर भी से। बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? देखो संतोषिया, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है, लेकिन कल सुबह हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। नहीं दादी, हम अकेले चले जाएंगे, जाकर हामी तो भरनी है। संतोषी बिटिया, क्या कह रही हो? जाकर हामी ही तो भरनी है? अरे पूरी दुनिया के लिए लड़ती रहती हो और अपनी बारी आई तो पीछे हट गई, हार मान ली? और नहीं तो का, हम तुमको अकेले नहीं जाने देंगे।
हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ दीदी, हम सब आपका साथ देंगे और हम सब आपके साथ लड़ेंगे। हाँ बेटा, जिद ना कर, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, हम सब भी साथ चलेंगे। वकील साहब, कितने भी पैसे ले लीजिए, लेकिन उस औरत से धैर्य का पीछा छुड़ा दीजिए, क्योंकि अपने बच्चे के कातिल के साथ धैर्य एक मिनट में नहीं रहना चाहता। She's right. मैडम, केस पैसों से नहीं जीता जाता, सबूत से जीता जाता है, और आपने जो अभी तक मुझे सबूत दिए हैं उनसे मैं सिर्फ एक कोशिश कर सकता हूँ, गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई ठोस सबूत मिल जाए तो शायद हम ये केस जीत सकते हैं। वकील साहब, मजबूत सबूत है, अब जब कहिएगा मैं आपके पास ला दूंगा। ओके। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु ये किस प्रकार का न्याय है? देवी संतोषी को अपनी शक्तियां वापस मिल गई, इसीलिए हमें भी हमारी शक्तियां वापस चाहिए। देवी पॉल में शक्तियों को छीनने का अधिकार हमारे कार्यक्षेत्र में है, किंतु उन्हें पुनः प्रदान करने का अधिकार केवल देवों के देव महादेव को है। देवी पॉल में इस विषय में आप महादेव से आग्रह कर सकती है। देवलोक में पक्षपात होने लगा है ब्रह्मदेव। देवी संतोषी महादेव की पोती है, इसीलिए उनकी शक्तियां तत्काल उन्हें लौटा दी गई है। देवी पॉल में सत्य जाने बिना किसी के प्रति अपनी राय बना लेना कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मदेव, आप उचित कह रहे हैं। इस विषय पर हम महादेव से बात करेंगे, हम उनके पास अवश्य जाएंगे। छोटी, इस सब फसाद की जड़ ये हीरोइन है। नंदरा ना, जाकर इसका गला दबा दो। अरे जीजी, तुम सही कह रही हो, ये जो फुलझड़िया है ना, इसी ने हमारी संतोषिया की जिंदगी में आग लगाई है। मैं इसको ना इसी की जुबान में समझा। हाँ, बस बंद करो ये सब। अरे, जानवरों से लड़ने के लिए हमें क्या जानवर बनना पड़ेगा? जानते हैं हमारी संतोषिया बहुत तकलीफ में, लेकिन हमें भगवान पे भरोसा है। हम जानते हैं एक दिन हमारी बिटिया की सारी खुशियां उसे लौट आएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, खुशियां लौटेंगी और जरूर लौटेंगी। और बेटी, ये लड़ाई हम तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे। ये हमारे वकील साहब हैं, गुप्ता जी, बड़े काबिल हैं और जाने माने हैं। नमस्ते। नमस्ते। जब दिल से रिश्ता ही खत्म हो गया तो कागज पे लड़ाई जीत कर क्या करेंगे? बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम ये जो मंगलसूत्र तुमने पहन के रखा है उतार के फेंक दो बेटा, और सिंदूर जो है तुम्हारी मांग में इसे भी बिठा दो, इसकी जरूरत क्या रही? बाऊजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो निशानियों की क्या जरूरत है? दिल के रिश्तों को कागज के टुकड़े बना या मिटा नहीं सकते, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो बेटा। संतोषी, इस तरह निराश ना हो बेटा, हिम्मत से लड़ो, तुम जीतोगी, जरूर जीतोगी। उन्हें क्या लगता है, एक दो कौड़ी का वकील लाकर केस जीत जाएंगे?
धैर्य मिश्रा, संतोषी मिश्रा अदालत में हाजिर हो। चलिए हमारी सुनवाई का वक्त हो गया है। चल चलिए दीदी, चलो बेटा आ जाओ। चलो बिटिया, चलो बेटा। देवेश, आपने हमें यज्ञ की तैयारी करने के लिए क्यों कहा? गौरी, धरती पर जब पाप का पलड़ा पुण्य से भारी हो जाता है तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाता है। उसी संतुलन को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के यज्ञ आवश्यक होते हैं। प्रणाम महादेव। महादेव, ये कैसा न्याय है? देवी संतोषी आपकी पोती है, इसीलिए आपने उनकी शक्तियां लौटा दी। देवी पौलोमी, देवी संतोषी को कठोर तपस्या के पश्चात ही उनकी शक्तियां पुनः लौटाई गई थी। रही बात आपके आरोप की, तो वह निराधार है। देवलोक में किसी भी संबंध को वरीयता प्रदान नहीं की जाती। यहां केवल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा बनाए गए नियम ही लागू होते हैं। क्षमा चाहते हैं महादेव, लेकिन बात अगर ऐसी है तो दो देवियों की शक्तियां छीनने के बाद केवल एक ही को शक्तियां क्यों लौटाई जाती है? कदाचित आपने सुना नहीं, देवी संतोषी को कठोर तपस्या के पश्चात ही उनकी शक्तियां लौटाई गई थी, और अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने के पश्चात वो अपने भक्त के आह्वान पर धरती लोक भी गई उसकी रक्षा करने हेतु। परंतु यदि आपको देवी संतोषी की शक्तियां मिलने से इतना ही कष्ट हो रहा है तो कठोर तपस्या कर अपने भक्तों के आह्वान पर धरती लोक जाकर उनकी रक्षा करने का विकल्प आपके लिए भी खुला है। मिस्टर कश्यप, आप अपने क्लाइंट को विटनेस बॉक्स में बुलाइए। मिस्टर धैर्य, प्लीज। आप मिस्टर धैर्य मिश्रा हैं? जी सर। आप तलाक क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस औरत के साथ मैं निभेगी नहीं। बड़ी ही चालू औरत थी। देखिए, आप कोर्ट में हैं, तमीज से बात कीजिए। आई एम सॉरी जज साहब, आई एम रियली सॉरी, पर इस औरत की वजह से मेरा बच्चा मर गया। मिस्टर कश्यप के क्लाइंट रोकर इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मिस्टर गुप्ता, एक पिता के दर्द को आप ब्लैकमेलिंग बोल रहे हैं? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिस्टर गुप्ता, जब आपका समय आएगा तब आप सवाल कीजिए, अभी बैठ जाइए। थैंक यू ऑनर। बेटा, संभालो अपने आप को। मैडम, आप अपने जगह पर जाकर बैठिए, प्लीज जाइए। देखा छुट्टी, ये हीरोइन की नौटंकी। मिस्टर गुप्ता, आप अपने क्लाइंट को बुलाइए।
आप क्या कहना चाहती हैं? क्यों ना? इजाजत हो तो मैं अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहूंगा। इजाजत है। ऑनर, बच्चा दुर्घटना का शिकार हुआ है और इसमें मेरी क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी बिना किसी वजह के कोई कैसे अपनी पत्नी से तलाक मांग सकता है? मिस्टर गुप्ता, अपनी बात को साबित करने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत है। मिस्टर धैर्य, ऑनर, इस मोबाइल में एक वीडियो है जिससे सारी बातें साफ हो जाएंगी। मैं आपसे परमिशन चाहूंगा इस कोर्ट में इस वीडियो को चलाने की।